हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल MLTP स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, समीकरण x² - 8x + 4 = 0 के मूलों का योग तथा मूलों के गुणनफल का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहले समीकरण लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है आपका समीकरण, x² - 8x + 4 = 0। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मूलों का योग बराबर होता है दोस्तों आपका -b/a। तो देखिए माइनस के -b/a, तो ये b a होगा, तो b कितना दिया हुआ माइनस, इसमें फॉर्मूला में है और -8 दिया हुआ, तो 8 हो जाएगा और बट्टा में a। देखिए a एक एक्स के गुणन में कोई नहीं है तो एक होगा, तो बट्टा में एक, तो बराबर हो जाएगा आपका 8। मूलों का योग हो गया आपका 8। अब मूलों का गुणनफल निकालिए। मूलों का गुणनफल बराबर होता है आपका c/a। तो आपका c, देखिए c होगा 4 और a में देखिए x² में कोई गुणनफल नहीं तो एक होगा, तो 4/1 यानी कि 4। मूलों का गुणनफल जो हो गया आपका 4 हो गया और योग आ गया 8। तो क्या कह रहा है, दोनों का अंतर निकालने के लिए। तो मूलों का योग क्या आया है आपका 8, पहले कह रहा है मूलों का योग और -4 बराबर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x³ + ax + b को जब x - a से भाग दिया जाता है तो 15 शेष बचता है, और जब x² + bx + a को x + 1 से भाग दिया जाता है तो शेष वह -1 बचता है, तो √a² + b² का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि जो x³ + ax + b बराबर कितना आपका, जो इसमें अगर x - 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 15। तो आप इसमें बराबर में शेषफल जो देता है वो 15, तो बराबर में आप 15 लिख सकते हैं। तो और x - 1 बराबर आपका किया दिए, x - 1 = 0 कर लीजिए और यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1 और इसमें आप पुट कर दीजिए, तो x का मान पुट करिएगा। तो देखिए x³ = 1 रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस में a को x यानी कि 1 से गुना करिएगा तो a, प्लस में b बराबर हो जाएगा आपका 15, यानी कि a प्लस b बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, यानी कि 14। इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर क्या कह रहा है कि x² + bx + a को कितना ax + 1 से भाग देने पर, तो x + 1 = 0 लिख सकते हैं, x = -1। तो अब फिर इसमें मान रखिए x का, तो x का मान रखिएगा और बराबर में क्या कह रहा है, यहाँ बराबर में इसका जो शेष बचता है वो -1 बचता है, तो शेष जो बचता है उसे बराबर में हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब x = -1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, ये -b हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा बराबर -1, तो a - b बराबर हो जाएगा। देखिए प्लस में 1 है तो इधर आएगा, तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, तो -1 - 1 यानी कि a - b बराबर हो जाएगा आपका -2। तो इसे आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो देखिए a + b = 14 आपका दिया हुआ और a - b = -2, a b से b ये कट गया, 2a बराबर आपका हो गया, ये घट जाएगा माइनस में है तो 12। तो यहाँ से जो है a बराबर आपका 6 आ गया। और देखिए अब समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a = a + b = कितना आपका 14 दिया हुआ है, तो a जगह पर आप 6 लिख सकते हैं, 6 + b = 14, तो b = 14 - 6 यानी b = 8। तो अब क्या कह रहा है, जो √a² + b² का मान निकालने के लिए, तो √a² के जगह पर 6 रखिए, 6² + 8² तो इसे करिएगा तो 6 36 88 64 यानी √ में जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 36 और 64 को जोड़िएगा तो √100 हो जाएगा। तो a² √a² + b² जो बराबर जो आपका आ गया 10 आ गया, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
31,250 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2.3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ आपका मूलधन, यानी कि पी दिया हुआ आपका 31,250। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह के प्रश्नों दिया प्रश्न अगर रहे, यानी कि वर्ष जो है वो पूर्णांक में रहे, तो उसको इस तरह इस फॉर्मूला से आप सॉल्व करते हैं, सी आई बराबर पी इंटू 1+R/100। देखिए, जो सीधा सीधा वर्ष, यानी देखिए इसमें हम इसको 2.3/4 को लिख सकते हैं, 2+3/4। तो देखिए, 2 वर्ष आप अलग लिख कर लीजिए, और इसके 1+RN, यानी कि एन ये हो जाएगा आपका जो भिन्न में दिया गया वर्ष, 100-1। तो इसी फॉर्मूला से आप बनाइएगा तो बराबर हो जाएगा। देखिए, अब एक मूलधन हो गया 31,250 इंटू 1+, आज कितना दिया हुआ आपका 8% / 100^2, और इंटू 1+R, आर आपका 8%, और जो वर्ष है वो एन जो भिन्न में दिया गया वर्ष, तो भिन्न में दिया गया वर्ष कितना है, गुने 3/4 और 100-1। तो देखिए, अब 31,250 इसे काटिएगा तो 2 चौके और 25 से ये कट जाएगा, ये 4 × 2 = 8, और ये 2 50 से कट जाएगा। तो ये देखिए, 25 और 2 27 का ऊपर में जो बच गया जो है वो 27/25² और इंटू ये हो जाएगा आपका 50, और ये 50 है और 3 53/50 - 1। अब देखिए, 31,250 लिख लीजिए और इसे 27 × 57 × 53 ऊपर में लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार, और 25 × 25 × 50 - 1। अब देखिए, 31,250 और इसे गुना करिएगा तो आपका आएगा 38,637। इसे गुना करिएगा 27 × 27 × 53, तो 38,637 आएगा, और बट्टा में जो इसको गुना करिएगा तो आपका आएगा 31,250 और -1, तो 31,250। और देखिए, अब ये भिन्न का घटा हो गया तो इसे घटा लीजिएगा, तो इसको इस तरह से लिखिए, 38,637 - 31,250 और बट्टा में 31,250। अब देखिए, और इसे अब इधर सॉल्व करते हैं, 31,250 और इसे घटाइएगा तो आपका आ जाएगा गुने 73/87 और बट्टा 31,250, तो 31,250 और ये 31,250 कट गया, तो बच गया आपका कितना, 73,87, जो आपका ब्याज होगा वो 73,87, ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय, यानी कि वास्तविक समय कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, उसका जो पहले जो मान लीजिए आप चाल, मान लीजिए आप चाल हो गया आपका मान लीजिए यू, और समय मान लीजिए आप समय बराबर आप मान लीजिए टी, और दूरी मान लीजिए एक्स। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी, दूरी एक्स और बट्टा चाल, आप इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और उसके बाद क्या कह रहा है, फिर से देखिए पुनः क्वेश्चन से, पुनः क्या कह रहा है कि 4/4 चाल के चलने से, तो समय जो है समय में देखिए, अगर 4/4 चाल से एक्स और बट्टा ये चाल जो होता है उसका 4/5 हो जाता था, 4u/5 तो बराबर टी, तो समय उसे कितना 15 मिनट अधिक लगता है, तो इसमें 15 मिनट आप ऐड कर दीजिए, तो प्लस, क्योंकि ये इतना चाल कर लेता है अपना जो चाल है उसका वो माना है यू, और वो चाल को 4/5 कर लेता है, तो इसका जो समय होता है वो 15 मिनट अधिक लगता है। अब देखिए, यहाँ से आप एक्स का मान निकाल लीजिए, एक्स यानी कि दूरी, तो एक्स बराबर यहाँ से आप टी यू लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स बराबर टी यू। अब देखिए, यहाँ से पर एक्स का मान रख दीजिए, इसे मान लीजिए समीकरण सेकंड, तो समीकरण सेकंड में एक्स बराबर टी यू रखने पर, तो समीकरण सेकंड जो आपका ये है, तो एक्स बराबर टी यू रखिए, टी यू बट्टा
फोर यू, और देखिए ये बट्टा में तो उधर हो जाएगा था आपका गुना में, बराबर टी प्लस 15। तो अब देखिए ये यू से यू कट गया, अब देखिए ये हो जाएगा ऊपर में बच गया 5t, और देखिए ये नीचे में है तो क्रस गुना हो जाएगा, तो 4t प्लस 15 चौक 60। अब देखिए इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि t बराबर जो आपका आ गया 60। तो t क्या माने थे आपका जो समय है वो t माने थे, तो समय जो आपका आ गया वास्तविक समय वो हो गया आपका 1 घंटा, यानी 60 मिनट, ये मिनट में आया है तो हो जाएगा आपका 1 घंटा। और देखिए दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से भी बनाया जा सकता है, देखिए 4/5 आपका चाल दिया हुआ है, तो 4/5 दिया हुआ है, देखिए 4 को ऊपर में पहले लिख लीजिए और देखिए ये दोनों का अंतर नीचे में लिख लीजिए, तो अंतर कितना है आपका, अंतर 1 है, और समय जो कितना दिया हुआ आपका 15 मिनट, तो उसे 15 से गुना कर दीजिए, तो वास्तविक समय आपका जो है वो आ जाएगा 15 चौक 60, इससे भी आपका आ गया है। तो ये आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, उसमें समय आपका बचत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 समूह का मानक विचलन निकाले। तो देखिए दोस्तों पहले इसे जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो देखिए 10, 11, 21, 9, 30 और 11, 41 और 9, 50 और 10, 60, और संख्या कितना है 6। तो टोटल जो आपका है वो जोड़िएगा तो वो आपका 60, और बट्टा में इसका पहले माध्य निकाले, तो माध्य बराबर हो जाएगा 60 और जितना संख्या है यानी कि 6, तो हो जाएगा माध्य बराबर आपका आ गया 10। अब देखिए मानक विचलन निकालने के लिए माध्य में से प्रत्येक संख्या को बारी बारी से घटाइए, तो देखिए पहला संख्या को और पहले रूट डाल लीजिए और इसमें आप प्रत्येक संख्या को घटाइए 10 माइनस 10 और उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस 10 माइनस 11 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 10 माइनस 9 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर आप 10 माइनस 11 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर रूट के अंदर 10 माइनस 9 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 10 माइनस 10 का स्क्वायर कर दीजिए, और बट्टा में कितना संख्या है 6 को संख्या है तो उससे भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा आपका रूट अंडर, देखिए इसे स्क्वायर करिएगा तो 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस इसको स्क्वायर करिएगा -1, इसको घटाइएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करिएगा तो वो +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, इसी तरह इसमें -1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, और इसी तरह इसमें 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस में 0, और बट्टा में संख्या कितना है आपका 6, तो बराबर आप देखिए ऊपर में कितना है, ये रूट अंडर हो गया है, ऊपर में देखिए 4 और बट्टा आपका 6 आ गया है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4/6 को, रूट अंडर 4/6 को, देखिए ये 4 है तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और बट्टा में रूट अंडर 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक आयत की लंबाई 50% घटाई जाती है और उसकी चौड़ाई 80% बढ़ाई जाती है, फिर उस आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये क्या दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100, और इस ए आपका यानी कि लंबाई हो जाएगा, तो ए आपका लंबाई 50 क्या कह रहा है, 50 घटाई जा रही है तो इसमें आप माइनस लगा दीजिए, और फिर क्या कह रहा है आपका 80% चौड़ाई बढ़ाई जा रही है तो प्लस 80, अब फिर घटाई जा रही है तो देखिए तो ये हो जाएगा प्लस, अब देखिए क्या कह रहा है ए बी, तो ए की लंबाई माने हैं तो माइनस 50 और गुने बी, तो बी देखिए आपका 80% है, ये प्लस में होगा क्योंकि बढ़ाई जा रही है, ये माइनस में इसीलिए किया क्योंकि ये घटाई जा रहे थे, गुने 80 और बट्टा 100, अब देखिए इसे घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 30, और ये अभी प्लस लिख लीजिए, और देखिए ये इसको ये 0 से ये 0 से 0 कट जाएगा, अब 8 × 5 = 40, यानी कि -40 माइनस है और 8 × 5 = 40, तो बराबर में आपका कितना आ गया 30 और -40 यानी कि -10, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला कि 10% जो होगा उसका जो क्षेत्रफल में होगा जो परिवर्तन जो होगा वो 10% की कमी आ जाएगी, तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें कमी बढ़ोतरी नहीं कही है, इसीलिए जो आपका सिर्फ जो दिया हुआ है कि जो आपका कितना परसेंट परिवर्तन होगा, तो इसका जो परिवर्तन होगा वो 10% होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कॉट एक्स बराबर 5/12 हो तो साइन एक्स प्लस टेन एक्स बराबर वाट। तो देखिए दोस्तों, कॉट एक्स बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो यहाँ जो साइन का जो होता है, साइन का जो होता है वो होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ कर्ण नहीं दिया हुआ है, यहाँ आधार दिया हुआ है। आधार जो हो जाएगा आपका, देखिए कॉट एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 5/12, यानी कि आधार ये हो जाएगा आपका 5 और लंब हो जाएगा आपका 12। तो कर्ण यहाँ से निकाल लीजिए, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार देखिए आपका कितना दिया हुआ है, आधार हो गया आपका 5 के स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसे 5 25 और ये 144, तो रूट अंडर 169, यानी कि जो कर्ण हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 13, जो कर्ण आ गया आपका 13। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टा साइन एक्स प्लस टेन एक्स। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब आपका 12 आ गया और कर्ण कितना हो गया 13, प्लस टेन थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, सॉरी लंब बट्टा आधार, यानी कॉट का उल्टा होता है। तो कॉट का कितना 5/12 दिया है, तो इसको हम 12/5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 13 5 65। तो इसको 12 5 60 और ये 156 और ये 60 और 56 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 216/65, जो आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री तथा कॉस बी बराबर 1/3 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ आपका, कॉस बी बराबर 1/3 और ए प्लस बी बराबर दिया हुआ आपका 90 डिग्री। तो बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर 90 माइनस ए, बी बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस ए, ए प्लस बी बराबर दिया हुआ आपका क्वेश्चन में 90 डिग्री, तो बी बराबर 90 माइनस ए लिख लिया। अब देखिए कॉस बी के जगह पर हम इतना रख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए बराबर 1/3। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा के जगह पर यहाँ ए है, तो यहाँ पर लिख ले सकते हैं आप कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन, साइन ए बराबर हो जाएगा आपका 1/3, यानी कि कॉस ए और साइन ए, कॉस बी और साइन ए का मान बराबर ही 1/3 ही आपका। अगला क्वेश्चन देखें, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से और सी को 200 मीटर से हरा देता है, 1440 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन छूट गया है दोस्तों, इसी बना लेते हैं। देखिए 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर होगा, तो 1000 मीटर में ए जब 1000 मीटर चलता है तो बी कितना चलता है, बी 900 मीटर चलता है, क्योंकि क्या कह रहा है ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, यानी कि एक 1000 चलेगा तो बी 900 ही चलेगा। और सी क्या कह रहा है, और सी को 200 मीटर से हरा देता है, तो ए 1000 चलेगा तो सी 800 मीटर चलेगा। अब देखिए दोस्तों अब क्या कह रहा है, 1440 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि 900 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर, 100 मीटर से हराता है। तो यहाँ लिख लीजिए, चूँकि 900 मीटर में बी सी को 100 मीटर से हरा सकता है, इसीलिए 1440 मीटर में बी सी को 1440 अगुने कितना हो जाएगा, 100 और बट्टा 900 होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए ये 900 मीटर में 100 मीटर हरा देता है, यहाँ से अगर निकालिएगा तो 1 मीटर में कितना, 100 और बट्टा 9 मीटर, ये 100 बट्टा 900 मीटर हरा देगा। तो यहाँ से 1440 मीटर में कितना कह रहा है, 1440 मीटर में निकालने के लिए, इसीलिए 1440 मीटर में बी सी को 1440 अगुने 100/900 मीटर से हराएगा। तो इसे आप काट दीजिए, 100 से 100 ये कट गया, 0 से 0 और ये इसे काट दीजिएगा तो 16 9 44 यानी 160। तो ये इस दौर में बी सी को 160 मीटर से हराएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
ए किसी कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए जो है वो 1/3 भाग कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है, तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, तो 3 × 5 यानी ए जो पूरा काम करेगा वो 15 दिन में करेगा। इसी तरह क्या कह रहा है, बी जो कर रहा है, बी 2/5 भाग वो कितना दिन में, 10 दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 10 10, ये 10 × 5 = 50 और बट्टा यानी 2, यानी जो बी जो है वो बी कितना दिन में करेगा, बी 25 दिन में टोटल काम कर लेगा। क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कितना दिन में ये काम करेगा, तो देखिए ये जो पूरा काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15, और बी एक दिन में 1/25, तो इसका लघुत्तम लीजिएगा, लघुत्तम आ जाएगा आपका 75, 15 × 5 = 75 और 25 × 3 = 75, 5 × 3 = 8, यानी कि एक दिन में इसका किया गया कार्य ए और बी द्वारा 8/75 है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क बराबर 75/8। तो देखिए इसमें पूर्णांक में दिया हुआ है, तो इसे देखिए आप 9/8 = 72, 3 = 75/8, ऑप्शन सी आपका जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका।